और टॉस जीत लिया है यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने और डिसीजन पेंडिंग है अभी भी। थर्ड अंपायर को दिया है और यहाँ पर स्टैंड के द्वारा पीटर्स गेंद दिशा दिखाई दोनों खिलाड़ियों के बीच गेंद और वहां पर अंपायर को देखना बाकी। सिर्फ एक रन से संतोष अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। क्या फील्डिंग का नजारा सभी युवा खिलाड़ियों के द्वारा। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन 21। तीन ओवर में 48 रन नहीं जरूर कांजिया है गेंदबाजी में और सामना करेंगे गोविंद पूरी तरह से। कांति रवारी क्रिकेट में समाज में सबसे बड़ा नाम वो भी क्रीज पर मौजूद है और उनके बल्ले से आज और इस बार गेंद और बल्ले का सही संपर्क मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद और नो बॉल अंपायर का इशारा स्टेप आउट। जीवन दान यानी कि अब होगा फ्री हिट। इस गेंद पर आप चाहे ऐसे मार सकते हो गोविंद पर सिक्सर आना शेष रहेगा। और रहेगा फ्रीट अंपायर भावेश। इस बार गेंद हवा में ज्यादा है सिर्फ मिलेंगे 2 रन फ्रीट पे। और स्कोर जब बचा 26 रन और कांजी रबारी सामना करेंगे गोविंद अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। अभी तरह से पकड़ के रखा है अभी तक गोविंद को कांजी ने और स्कोर जा पहुंचा 27 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। और इस बार गेंद और बल्ले का सही संपर्क गेंद गई सिक्स। कांति रबारी जानते हैं कि ये मैच जीते तो सीधा हम फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक कांति रबारी क्रीज पर मौजूद तब तक वर्षा मेरी की उम्मीद भी मौजूद है इस मैच पर। स्कोर जा पहुंचा 33 और ये रिवर्स स्वीप में लंबा छक्का। व्हाट अ शॉट क्या बल्लेबाजी। 39 रन
बाय।